नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। आज सदन के बजट सत्र के दूसरे चरण का तीसरा दिन है, तो वहीं विपक्ष अडानी हिंडनबर्ग मामले पर जेपीसी की मांग को बरकरार रखा है। बता दें कि इस मामले को लेकर सदन के दोनों सदनों में सोमवार और मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ, जिसके चलते दोनों दिन सत्र को स्थगित कर दिया गया। आज भी सदन की कार्यवाही शुरू हुई। वहीं राहुल गांधी के लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए विवादित बयान के बाद लगातार सदन में हंगामा देखने को मिल रहा है। वहीं आज भी 2 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दी गई है। बता दें बजट सत्र के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है और लगातार राहुल गांधी के विवादित बयान को लेकर हंगामा हो रहा है। वहीं राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र पर हमला बोला था, जिसको लेकर आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। आज सदन के बजट सत्र के दूसरे चरण का तीसरा दिन है। बता दें कि आज भी हंगामा जोरों पर है, जिसको लेते हुए सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, सदन के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है, वहीं लगातार राहुल गांधी के बयान को लेकर सदन में हंगामा जारी है, जिसको लेकर 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित भी कर दी गई है। में भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके बयान का विरोध कर रहे थे और जिस तरीके से यह आरोप लगा रहे थे कि देश के बाहर जाकर उन्होंने देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। अब बजट सत्र का ये दूसरे सत्र की अगर बात की जाए, दूसरे चरण की अगर बात की जाए, तो आज तीसरा दिन है और पहले के 2 दिन जो है इसी प्रकार के सियासी हंगामे के साथ ठप हो चुके हैं और आज तीसरा दिन भी जो है लोकसभा की कार्यवाही जो स्पीकर ओम बिरला, उन्होंने 2 बजे तक स्थगित कर दी है। संसद में राहुल गांधी के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है। वहीं कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे के बयानों का याद दिलाया है, जब वो मुख्यमंत्री से गुजरात के उस समय के बयानों की याद दिलाया है। तमाम तरीके की बातें कही हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच सदन में इस समय इस प्रकार के सियासी घमासान के कारण जो बजट सत्र का जो तीसरा दिन है आज भी हंगामे के ढेर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वदेश लौटने के बाद ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब तक जब तक वो कार्रवाई चल रही थी तो राहुल गांधी सदन में सम्मिलित नहीं हुए थे। विवांशु, जहां माफ कीजिएगा विवेक, जहां एक तरफ राहुल गांधी के बयान को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, वहीं विपक्ष अडानी हिंडनबर्ग मामले पर जेपीसी की मांग को बरकरार रखे हुए है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी के शेयर लगातार गिरते रहे थे और दुनिया के 2 नंबर के वो अमीर थे, उसके बाद उनकी रैंकिंग लगातार गिरती चली गई थी। फिलहाल उनके शेयरों में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, लेकिन कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष जो है अडानी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को लगातार घेर रहा है। जब पहले सत्र का सदन चल रहा था, तब भी जो है प्रधानमंत्री मोदी से इस पर बोलने की बात कही जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने कुल 1.5 घंटे के भाषण के दौरान एक बार भी गौतम अडानी या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया था। इसके बाद कांग्रेस और ज्यादा आक्रामक हो गई थी और पूरे देश में जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोडानी शब्द यूज किया, मोदी अडानी को लेकर मोडानी शब्द यूज किया। लगातार जो है वो केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री पर हमलावर है और जेपीसी की मांग कर रही है। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी जेसीपी गठित हो चुकी है, लेकिन अगर जेसीपी को देखा जाए तो इस जेसीपी के गठन के बाद मैक्सिमम जो पावर होती है वो सत्ता पक्ष के पास ही रहती है। विपक्ष इसकी मांग कर सकता है, सत्ता पक्ष उनके मांग को देखते हुए जेपीसी का गठन कर सकती है, लेकिन फिलहाल जो इसमें पावर होता है जेपीसी के, वह सत्ता पक्ष के अधीन ही रहती। तो फिलहाल विपक्ष की मांग जेपीसी की बैठाने की और केंद्र सरकार इसे लगातार इनकार भी कर रही है। अगर मान लिया जाए कि केंद्र सरकार ने इनकी बात भी मान ली तो इसमें जो जेपीसी के बाद जो पावर होगी, जो अथॉरिटी होगी, वो केंद्र सरकार के पास ही रहेगी। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। लखनऊ में 69,000 भर्ती में अभ्यर्थी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो वहीं शिक्षा मंत्री के आवास पर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया है।
बता दें 69,000 भर्ती में आरक्षण की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। बता दें लखनऊ में 69,000 भर्ती में अभ्यर्थी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो वहीं शिक्षा मंत्री के आवास पर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किया है। बता दें हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 3 महीने के अंदर फिर से लिस्ट बनाने के निर्देश दे दिए हैं। ये मामला 1 जून 2020 का है। 69,000 भर्ती मामले में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, लखनऊ में 69,000 भर्ती में अभ्यर्थी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जी मयूरी, आपको बता दें कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में आरक्षण कोटे की मांग को लेकर अभ्यर्थी आज शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के घर के बाहर प्रदर्शन किए। अगर बात की जाए तो इसमें प्रदेश भर से अभ्यर्थी एकत्रित हुए थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि हम मंत्री जी से मिलकर अपनी समस्या को रखना चाहते हैं और उनके माध्यम से हम अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। इसी मुद्दे को लेकर हम यहां आए हुए हैं। आपको बताएं कि भारी संख्या में आज 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे, जो साफ तौर से आरोप लगा रहे थे कि जो सरकार ने कोर्ट के अंदर में जो रिपोर्ट रखी है, जो अपनी मुद्दे को लेकर 69,000 मामले को लेकर अपना पक्ष रखा है, उसमें कहीं ना कहीं ओबीसी आरक्षण को ध्यान में रखते हुए नहीं रखा गया है, उसमें लापरवाही की गई है। तो एक बड़ा आरोप सरकार पे लगाते हुए 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो 6,800 आरक्षण घोटाले के हैं, वो आज प्रदर्शन किए हैं। आपको बताएं कि इसमें अगर बात की जाए तो महिला अभ्यर्थियों से जब प्राइम टीवी टीम ने बात किया तो उनका कहना था कि हमें न्याय चाहिए, हमारी कोई नहीं सुनता, लंबे अरसों से हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने लखनऊ में अस्थायी रूप से डेरा भी डाला, हर एक के दरवाजे को खटखटाया, मगर हमें कहीं ना कहीं न्याय मिलते हुए नजर नहीं आ रहा है। और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे मामले पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमें न्याय दिलाएं। वहीं आपको बताएं कि बड़ी संख्या में जब अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव किए, उस दौरान वहां पे पुलिस बल का प्रयोग करके उन्हें वहां से डिटेन करके इको गार्डन भेज दिया गया। अगर बात की जाए मयूरी, तो इन तमाम अभ्यर्थियों का आरोप है कि जो नई लिस्टिंग सरकार को कोर्ट के आदेश के बाद बनाने का आदेश दिया गया है कि नई लिस्टिंग की जाएगी, उसमें पूरी तरह से आरक्षण के जो तमाम प्रावधान है उसको ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट तैयार की जाए। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार हमारे जो पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट है उसके मुताबिक हमारा पक्ष नहीं रख रही है, जिसके साथ हमें न्याय मिलते हुए कहीं देरी देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां कल ये अभ्यर्थी नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलकर अपनी समस्या को वे अपने साथ मांगा, साथ साथ अपने समस्या पर उन्हें आवाज उठाने की बात लेकर पहुंचे थे, साथ ही आज बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर का घेराव किए हैं। अगर बात की जाए तो एक लंबे अरसे से एक तमाम अभ्यर्थी प्रदर्शनरत है, कई अलग अलग पैतरे से ये अपनी मांगों को मांग चुके हैं। बात की जाए तो 2022 के चुनाव में पॉलिटिकल रैली में, यानी कि राजनीतिक रैलियों में भी घूमकर जाकर और पोस्टर लहराते हुए नजर आए थे। आप अगर बात की जाए तो आपने देखा था कि विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को अपने मैनिफेस्टो में सम्मिलित की थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं सियासी घमासान तेज हुआ था। अब देखने वाली बात ये होगी मयूरी कि इस पर शासन का क्या रुख रहता है। जी जी विवांशु, अगर देखें तो ये मामला 1 जून 2020 का है। वहीं अब हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 3 महीने के अंदर फिर से लिस्ट बनाने के निर्देश दे दिए हैं, फिर से 3 महीने का वक्त है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो बीते दिन कोर्ट का फैसला आया जिसमें कहा गया कि 3 महीने के भीतर फिर से रिपोर्ट तैयार की जाए, लिस्टिंग की जाए और उस आधार पे आगे की प्रक्रिया होगी। वहीं अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री भी अगर तमाम देखे संबोधनों में 69,000 पीड़ित जो अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति को लेकर लगातार बोलते रहते हैं कि हम उन्हें न्याय दिलाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी मुख्यमंत्री के संज्ञान में लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती
के मामला लगातार उनके प्रकाश में रहता है और अभ्यर्थियों की आशा अपेक्षा है कि मुख्यमंत्री हमारे मामले पर न्यायिक देंगे, न्याय में कहीं ना कहीं उनका साथ देंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब नई लिस्टिंग तैयार की जाती है तो क्या प्रारूप रहता है, उसमें क्या चीजें निकल के आती है। मगर साफ तौर से अभ्यर्थियों का ये कहना है कि हमें कहीं ना कहीं ओवरलैप ना हो सीटें हमारी, और साथ ही हमें एक ही आरक्षण का जो प्रावधान है जिसमें इसमें आरोप है कि एक व्यक्ति एक अभ्यर्थी दो दो आरक्षण की सुविधा को लिया है, दो जगहों से आरक्षण की सुविधा लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब 3 महीने के बाद ये रिपोर्ट आती है और लगातार अभ्यर्थी फिर से एक बार राजधानी लखनऊ के इको गार्डन को डेरा बनाए हुए हैं और अस्थायी रूप से वहां पर रहकर अपनी मांगों को मांग रहे हैं, अगर बात की जाए मयूरी तो अलग अलग वर्ग हैं, चाहे बात की जाए तो इसमें ऐसी भी महिलाएं हैं जो अपने बच्चों के साथ अपनी मांगों को मांगने आई हैं, ऐसे भी कई परिवार के अपने पति और पत्नी दोनों आए हुए हैं। बात की जाए तो पूरी तरह से इन अभ्यर्थियों का यही कहना है कि हम स्थायी रूप से लखनऊ में रहेंगे और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम हर एक दरवाजे को खटखटाएंगे। जी, तो देखने वाली बात होगी कि शासन प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। कहने के लिए ओबीसी एससी के मंत्री है लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं है, काहे नहीं सुनते हैं? सुनेंगे तो निकाल दिए जाएंगे उसी दिन पार्टी से, सीबीआई हो जाएगी, ईडी हो जाएगी इनके ऊपर। कहने के लिए ओबीसी एससी के मंत्री है लेकिन कोई हमारी सुनता नहीं है। लखनऊ में बीएसपी के संस्थापक काशीराम की आज जयंती मनाई गई, तो वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने काशीराम को श्रद्धांजलि दी और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, तो वहीं इस मौके पर कई नेताओं ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, लखनऊ में बीएसपी के संस्थापक काशीराम की आज जयंती मनाई गई, वहीं मायावती ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है, क्या कुछ खास रहा? बता दें कि बाम से और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम जी की आज जयंती है और आपको बताएं कि इसको लेकर आज बहुजन समाज और साथ ही साथ काशीराम को मानने वाले तमाम जो लोग हैं आज उनकी जयंती को बड़े ही भव्य तरीके से मना रहे हैं। उनकी तस्वीरों पर, उनकी मूर्तियों पर फूल अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके बताए गए मार्गों पर, उनके जो पदचिन्ह थे उस पर चलने की वादे कर रहे हैं। बात की जाए तो आज राजधानी लखनऊ के बीएसपी के प्रदेश मुख्यालय पर बसपा की सुप्रीमो सुश्री मायावती और साथ ही बात करें तो पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में लगभग सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी आज बीएसपी कार्यालय स्थित काशीराम की प्रतिमा पर आज पुष्प अर्पित कर उनके जो पदचिन्ह है उन पर चलने की बातें कहें। साथ ही आपको बताएं कि आज के दिन माना जा रहा है कि बीएसपी में एक बैठक चल रही है, ये बैठक अभी फिलहाल चल रही है और लगभग 2 बजे तक समाप्त होगी और इसमें निकाय चुनाव को लेकर जो बीएसपी के उच्च पदाधिकारी हैं उनके द्वारा निर्देश भी दिया जाएगा। इससे साफ है कि आज काशीराम की जयंती पर आज बसपा पूरी तरह से निकाय चुनाव को लेकर कई ऐलान भी कर सकती है। वहीं अगर बात की जाए तो शीर्ष नेताओं को कुछ जिम्मेदारियां भी देने की बात कही जा रही है। बात की जाए तो बामसेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के जरिए अगर देखें तो वंचित, शोषित, ग्रसित और जो पिछड़ा समाज है उसके आवाज उठाने की बात एक बार फिर सुश्री मायावती करते हुए अपने ट्वीट में नजर आ रही हैं। वहीं देखने वाली बात ये होगी कि निकाय चुनाव को लेकर जो बैठक चल रही है आज काशीराम जी की जयंती पर, उसमें सुश्री मायावती और तमाम जो उच्च पदाधिकारी हैं उनके द्वारा क्या निर्देश दिया जाता है। जी जी, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में नोटिस दिया है। बता दें कि संजय सिंह ने यह नोटिस मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर दिया है। राज्यसभा के शून्यकाल में यह मुद्दे उठाने के लिए संजय सिंह नोटिस दिए हैं। बता दें संजय सिंह ने राज्यसभा में नोटिस दिया है
जिसमें मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी समेत केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर उन्होंने नोटिस दिया है। दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में नोटिस दिया है। बता दें कि संजय सिंह ने यह नोटिस मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर दिया है। राज्यसभा के शून्यकाल में यह मुद्दे उठाने के लिए संजय सिंह ने नोटिस दिया है। बता दें संजय सिंह ने राज्यसभा में नोटिस दिया है। और इस खबर पर हमारी संवाददाता सुहानी हमसे जुड़ेंगी। सुहानी, दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में नोटिस दिया है, क्या कुछ है इस नोटिस में? जी मयूरी, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में नियम 276 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा मनीष सिसोदिया समेत तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं, उनके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी को दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए नोटिस उन्होंने दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, सभापति को पत्र लिखी हुई नोटिस में कहा है कि केंद्र सरकार जो विपक्षी नेता है उनको अवैध गिरफ्तारी करवाकर केंद्रीय जांच एजेंसी का उन्होंने खूब दुरुपयोग कर रहे हैं और इसे भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पे गंभीर चोट पहुंच रही है। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि किसी भी जो गैर भाजपा सरकार काम पत्र नहीं दिया जा रहा है उनको घूंटे में सबने लगा के और उनको सीबीआई और ईडी जांच कर रही है और उन्हें जेल में बंद करके गिरफ्तार कर दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, उनसे झूठे कार्रवाई किया जा रहा है, झूठे उन्हें फंसाया जा रहा है। वो तो एक शिक्षा को क्रांति ला के दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुँचाए हैं और ये पूरा जो भाजपा सरकार जो है वो विपक्षी दलों को आगे नहीं बढ़ना देना चाह रही है और इसीलिए काम कर रही है। जितनी भी विपक्ष दल है उसको हर तरीके से फंसा रही है और उसको अपने आगे बढ़ने के लिए झूठे मुकदमे लगा के उनकी ईडी और सीबीआई की जांच कर रही है और इसी सब मुद्दे को लेकर संजय सिंह ने उनको नोटिस दिया है और उनको साफ तौर से बोला है कि राज्य से चर्चा की जाए। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके संजय सिंह ने उससे नोटिस भेजा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा जो है पूरी तरह से हमसे ये मुकदमा लगा रही है, झूठे मुकदमा लगा के विपक्षी को जितने भी नेता है उनको फंसा रही है और ये जो है उनको मनीष सिसोदिया की जो उनके खिलाफ जो मिला है ये पर्ची वो पूरी तरह से झूठ है। उनके खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है, सिर्फ ये झूठ है क्योंकि जब सीबीआई से जांच करने के बाद मनीष सिसोदिया को झूठे कबाड़े तो उन्होंने झूठ करके ईडी की जांच बैठा दी। तो ऐसे ऐसे जो मुकदमे हैं और ऐसे झूठे आरोप लगा बीजेपी सरकार विपक्षों को दे रही है। जी धन्यवाद सुहानी तमाम जानकारियों के लिए। हरदोई में पुलिस ने गौवंश अधिनियम के आरोपी की 50 लाख की संपत्ति को कुर्क किया है जो कि गिरोह बनकर गौकशी की घटनाओं को अंजाम देता था। बता दें कि डीएम के आदेश पर 50 लाख की दो संपत्तियों को कुर्क किया गया है। तो वहीं पुलिस ने गौवंश अधिनियम में आरोपी अब्दुल अजीम पर मुकदमा पंजीकृत किया था जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक कासिमपुर कर रहे थे, जिसके चलते पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। थाना फंडिला पर गोवध अधिनियम के अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक कासिमपुर द्वारा की जा रही थी। इसी क्रम में आज जिलाधिकारी महोदय के आदेश क्रम में 14 की कार्रवाई करते हुए अभियुक्त अब्दुल अजीम की दो संपत्ति क्रमशः मोटरसाइकिल और एक घर को कुर्क किया गया जिसकी बाजार मूल्य लगभग 50 लाख आंका गया है। बता दें हरदोई में पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। गौवंश अधिनियम के आरोपी की 50 लाख की संपत्ति को कुर्क किया गया है जो कि गिरोह बनकर गौकशी की घटनाओं को अंजाम देता था, जिसके बाद डीएम के आदेश पर 50 लाख की दो संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक ले देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।